Thank you.
శ్రీమూర్తయే జిగతారే రూపానంద విరుద్ధాప సిద్ధాంత ధ్వంత హారిణే నమో గోరకిశోరాయ సాక్షాద్ వైరాగ్యమూర్తయే విప్రలంబసాంబోధు పాదాంబుజాయ తే నమః నమో భక్తి వినోదాయ సచ్చిదానంద నామినే గౌరశక్తి స్వరూపాయ రూపానుగౌరాయతే గౌరావిర్భావభూమిష్టం నిర్దేష్టా సజ్జన ప్రియ వైష్ణవ సార్వభౌమ శ్రీ జగన్నాథాయ తే నమః కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమోనాదనన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామనే గౌరద్విషే నమః పంచతత్వాకం విష్ణుం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతారం భక్తాచ్యం నమామి భక్తి సంకితం హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే జై శ్యామ సుర్గోపంగు మమ మందమతే దయి మత్సర్వస్వ పదాంబోజో శ్రీ రాధా మదన మోహన దివ్య దృందావరణ్య కల్పమాగ శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థు శ్రీమద్ రాధాశీల గోవింద దేవో పృష్టాని విసేవ్యమానో స్మరామి శ్రీమానరాసర సారంభి వంశీ వటాటక స్థిత కర్షణ వేణు సనే గోపి గోపినాథస్తు తప్త కాంచన గౌరాంగి శ్రీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభారోషదేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత ఆధర శ్రీవాసాది శ్రీ గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 हरे कृष्ण। जैसे सुबह में आपके शहर के नजदीक में जो लिमडा करके एक गांव है जहाँ हमारा रवि काशु का घर है, तो उधर एक गौशाला दूध काटने था, उसमें आया था। शाम को मेरा ट्रेन था भावनगर बांगरा, लेकिन शाम को संडे 20 क्लास है, मैंने सोचा कि आपसे मिलके रात को बस करके जाऊँ। वैसे आप हर रविवार को क्या करते हैं? अलग अलग, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो 16 वाला जप करते हैं? ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवद गीता को पढ़ते हैं? वेरी गुड। तो मैंने सोचा कि आज भगवद गीता का पहले श्लोक के ऊपर लिया जाए। आप ऐसे कितने लोग हैं जो पहला श्लोक को जानते हैं? याद है पहला श्लोक, गीता का पहला श्लोक याद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों को मालूम पहला श्लोक याद है। भगवद का पहला श्लोक किसने उच्चारण किया था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव
वामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय तो भगवद्गीता का ये पहला श्लोक है जिसका उच्चारण धृतराष्ट्र ने किया। धृतराष्ट्र वैसे पूरा गीता को श्रवण कर रहे हैं। किसे श्रवण कर रहे हैं? संजय से। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह का यानी मृत्यु नहीं बल्कि वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। तुरंत धृतराष्ट्र को ऐसा लगा क्या हो रहा है। पूछा संजय कहो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र क्या है। वो धर्मक्षेत्र पहला ही दो शब्दों में भगवद्गीता में धृतराष्ट्र के मुख से सारा जगत को सरस्वती देवी ने बता दिया। क्या बता दिया? पांडवों का जीत होने वाला है और कौरवों का हार होने वाला है। कैसे मालूम पड़ता है? कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र। ये कौन कह रहा है बात? धृतराष्ट्र कहता है। अभी कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों पड़ा? धृतराष्ट्र को मालूम है कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्रों में पुराणों में बता दी है। परशुराम जो है सारे जगत में क्षत्रियों को वध करने के बाद दुष्ट क्षत्रियों को वध करने के बाद कुरुक्षेत्र में आकर तपस्या किया था, यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र का जो समंत पंचक नामक नाम है पुराणों में समंत पंचक यानी जहां परशुराम ने तपस्या किया तो इस वजह से धर्म क्षेत्र क्योंकि परशुराम की तपस्थली है। और दूसरा एक राजा था जिसका नाम था कुरु नामक राजा यज्ञ करता था तो इंद्र और देवता ने सोचा कि हम उसका फल नहीं देंगे। करते रहे लेकिन हम फल नहीं देंगे। लेकिन राजा कुरु ने सोचा मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना, फल मिले ना मिले तो भगवान के हाथ में, तो भले ही फल मिलने नहीं मिलने पर भी यज्ञ करते गए। इस वजह से देवता लोग प्रत्यक्ष होके
उनको वरदान दिए। ये जो जगह है तुम्हारे नाम पे रहेगा, भविष्य में धर्म की स्थापना होगी इस क्षेत्र में, और खास करके अभी धर्म युद्ध चल रहा है इस वजह से धर्म क्षेत्र। और चौथा चीज है जहां साक्षात धर्मांत साक्षात भगवत प्रणय, भगवान स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, जहां कृष्ण साक्षात उपस्थित है तो धर्म क्षेत्र होगा ही। ये चार कारणों की वजह से इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। अभी धृतराष्ट्र को मालूम है सामने जो खड़े हैं कौन है, कृष्ण है, यानी धर्म क्षेत्र में युद्ध पांडवों के पक्ष में कौन है, कृष्ण है। धृतराष्ट्र को मालूम का कृष्ण भगवान है, और फिर भी ये सोचा कहीं ये कृष्ण के वजह से धर्म के पक्ष में है कृष्ण, कृष्ण और पांडव जो है कृष्ण पांडवों के पक्ष में है और धर्म ही पांडवों के पक्ष में है, कहीं उनका जीत ना हो जाए और मेरे पुत्र हार ना जाए। लोग सोचते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति है, बड़ा सा शक्तिशाली व्यक्ति है, वो युद्ध कर रहा है एक छोटा मोटा व्यक्ति से, छोटा मोटा व्यक्ति है उसके परिवार वाले उसके मित्र डर रहेगा हार जाएगा करके, तो उनको डर था किनको, धृतराष्ट्र, लेकिन वो डर को सच कर दिया। किस रूप में सच कर दिया, सरस्वती देवी ने। सरस्वती देवी ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस चीज का और एक अर्थ लेती है, क्या अर्थ लेती है, क्षेत्र का अर्थ है खेती, खेत जानते हैं। धर्म क्षेत्र होने के नाते इधर क्या उगता उगता है, धर्म उगता है, धर्म क्षेत्र होने के नाते धर्म उगता है। और खेती में खेत को उगाने वाले कौन है, किसान। किसान क्या करता है, वो अच्छा फसल है उसको पानी डालता है, आजू बाजू में जो मत्ता पता है क्या क्या बोलते हैं, खपतवार जो बेकार की जो पौधे हैं घास फूस है उसे उखाड़ के फेंक देता है। अभी कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है, और उधर धर्म को उगाने के लिए है कृष्ण, और पांडव कौन है, खपतवार जो घास फूस है। अभी कृष्ण है किसान के रूप में, पांडव नामक जो फसल है उसको उगाएंगे और कौरव नामक जो कपटवार है घास फूस को क्या करेंगे, उखाड़ के। यानी भगवद गीता का पहले श्लोक में पूरा भगवद गीता खत्म हो गया। धृतराष्ट्र ने कह दिया सारे जगत को देखो मेरे पुत्र का मृत्यु और पांडवों का जीत होगा। कृष्ण किसान के रूप में आके क्या करेंगे, पांडव नामक जो खेत है या फसल है उसको उगाएंगे और कौरव नामक पकवान है घास फूस उसको उखाड़ के। कौरव मरने वाले हैं पांडव जीतने वाले हैं, ये किसने कहा, धृतराष्ट्र ने कह दिया, उसको मालूम था मैंने कह दिया। शास्त्रों में कुछ ऐसा चीज होता है जिसको सारस प्राप्त कहा जाता है, ये पहले अध्याय का नवा श्लोक है। नवा श्लोक में दुर्योधन कहता है खास करके द्रोणाचार्य को, ए द्रोणाचार्य उनके पक्ष में देखो अनेक अनेक वो राजा है, भीमार्जुन समायुधि भीम अर्जुन के समान बड़े बड़े राजा, और हमें पक्ष में आप है भगवान विष्णुश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजय हमारे पक्ष में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इतना ही नहीं दुर्योधन कहता है अन्येच भावशूरा अनेकों अनेकों ऐसे बड़े बड़े शूरवीर लोग हैं मेरे पक्ष में, मदर थे मेरे लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है। क्या कहता है, मदर थे कर्ज क्या है, मेरे लिए प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, इतनी शरणागत है।
लेकिन सरस्वती देवी खेल खेलती है, क्योंकि सरस्वती की वजह से हम बोल पाते हैं कि नहीं, हमारे सारे जो वचन है सरस्वती की कृपा से बोल पाते हैं। तो दुर्योधन जिस श्लोक को कह रहा है, मद रखते तत्व जीविता, इतने सारे सैनिक, बड़े शूरवीर सैनिक है, वो मेरे लिए अपना प्राण त्याग करने के लिए तैयार है, उसी शब्द को दूसरा अर्थ लेती है, मदरते का अर्थ है कि मेरे वजह से। क्या हो गया दुर्योधन की, दुर्योधन क्या कहा, क्या कहा, मदरते मेरे वजह से तत्व जीविता सब मरने वाले, उसी शब्द का और एक अर्थ क्या हुआ, दुर्योधन समझ रहा है मेरे लिए प्राण भी त्याग करने के लिए, और सारस्वत अर्थ क्या हुआ इसका, मेरे वजह से ये सब मरने के लिए मर रहे हैं, मर जाएंगे। यानी भगवत गीता के पहला श्लोक और नवे श्लोक में, पहला श्लोक में स्वयं धृतराष्ट्र कहता है कि दुर्योधन का हार निश्चित है, दुर्योधन मरने वाला है, दुर्योधन स्वयं कहता है कि मेरे वजह से मेरे पास और लोग सब मरने वाले हैं, इसको सारा सुपर कहा गया। इसलिए भगवत गीता का पहला दो शब्द कौन सा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसी में भविष्य में युद्ध में क्या होने वाला है सब कुछ कह दिया धृतराष्ट्र। अभी आगे जाते हैं, धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मान में कृष्ण भगवान ने कभी धृतराष्ट्र को मान में, लेकिन फिर भी अज्ञान देखिए समय का युत्सव कहता कुरुक्षेत्र नाम धर्म क्षेत्र में मामका पांडवास्य, मामका का अर्थ क्या है, मेरे पुत्र, और दूसरे कौन है, पांडव, मेरे पुत्र और वैसे देखा जाए पांडवों का पिता है क्या भी पांडव नहीं, और धृतराष्ट्र कौन है पांडव का भाई, पांडव का भाई होने के नाते क्या करना चाहिए धृतराष्ट्र को, अपने भाई के पुत्रों को भी अपने पुत्र के समान मानना चाहिए कि नहीं, ऐसा कहा गया था कोई भाई है उसका पुत्र, भाई का मृत्यु होता है, भाई के पुत्रों को ऐसा ट्रीट करना चाहिए ताकि वो अपने ही पुत्र, लेकिन धृतराष्ट्र क्या कहता मामका मेरे पुत्र, दूसरे कौन है मामका और पांडवास, मामका पांडवास चे दोनों समवेता, समवेता का अर्थ क्या है, एकत्रित्व है असेंबली, मामका पांडवास चे समवेता, समवेता मतलब एकत्रित्व है, किसके लिए एकत्रित्व है, युद्ध सभा, युद्ध सभा का अर्थ क्या है, युद्ध करने के लिए एकत्र, कौन कहता है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कहता है मेरे पुत्र और पांडव युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, कौन कह रहे हैं बात, धृतराष्ट्र, और क्या पूछ रहा है धृतराष्ट्र, किम कुर्वता, आपने आगे मुझे कहा पेड़ उगाई लोगों को बहुत भूख लगा है, उनके सामने बहुत सुंदर छप्पनों का पेड़ लगा हुआ है और वो खाने के लिए बैठे हैं, मैं क्या की बता कोई बात को है क्या, मामा का पांडवास है मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, यार पांडव के पुत्र पांडव दोनों युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए, तो क्या किया, ये क्या प्रश्न है, खुद बोल रहे हो युद्ध करने के लिए गए हैं और पूछते क्यों हो, फिर क्या किया, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा क्यों, ये है तुझे डरावा, धृतराष्ट्र ने प्रश्न से पूछा कि उनको डर था, कहीं मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र को मालूम था मेरे पुत्र किसके पक्ष में है, अधर्म के पक्ष में, अभी वो गए कहां, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, यानी उनके पुत्र जो अधर्म के पक्ष में है वो कहां है, अभी धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र,
उनका डर ये था कहीं मेरे पुत्र कौरव जो अधर्म के पक्ष में है कहीं वो धर्म क्षेत्र में जाके धार्मिक न बन जाए। हमने देखा है ना भावनगर में देखा होगा जो परिवार में कोई मान लो कोई एक माता रोज मंदिर में आदि दर्शन करने के लिए पति को डर लगता है इसको हमें चली गई गड़बड़ हो जाए हाँ कहीं अच्छी ना बन जाए कहीं भक्त ना बन जाए माता पिता को डर लगता है हमारा लड़का जो है अच्छा हफ्ते में एक बार मंदिर में जाके आ जाए अच्छा रोज जाने लग जाए तो डर लगता है कहीं भक्त ना बन जाए कहीं साधु ना बन जाए। तो शुरुआत में क्या होता है माता पिता हमारे बच्चों को लेके आते प्रभु जी हमारा बच्चा बात नहीं सुन आप अपने अपने पास रखो ना ठीक है भाई जो कार्यक्रम में आता है कीर्तन करता है वो अच्छा लगता है माता पिता को अच्छा लगता है लड़का को भी अच्छा लगता है हफ्ते में एक बार आता था धीरे धीरे से क्या हुआ दो तीन बार आने शुरू किए अचानक पूरा हफ्ता रोज आता है कभी कभी घर भी जाता है मंदिर में जाता है माता पिता को डर लगता है भाई मेरा लड़का टकला ना बन जाए वीणु गाय के साथ रहेंगे दोस्ती में कहीं वो साधु ना बन जाए घर में कोई साधु आएंगे तो पैर छुएंगे वो महाराज आए सब धंधा करेंगे फिर अपना अपना लड़का साधु नहीं बनना चाहिए तो धृतराष्ट्र को ही डर था कहीं मेरे बच्चे अच्छे ना हो धार्मिक मेरा बच्चा सिगरेट पिए चलेगा पिक्चर देखने जाके चलेगा लेकिन साधु बन रहे साधु नहीं मेरे पतिदेव जो है सब कुछ है लेकिन मंदिर में भक्त नहीं बनना चाहिए ऐसा धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को मालूम था ध्यान रखिएगा ये धर्म क्षेत्र है और धृतराष्ट्र को मालूम था धर्म क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र में जीत किसका होने वाला है पांडवों का जीत होने वाला है। धृतराष्ट्र को मालूम था उनका पुत्र दुर्योधन मरने वाला है लेकिन उनको डर था कहीं मेरे पुत्र दुर्योधन जाके धर्म क्षेत्र में जाके धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वो धार्मिक बन के पांडवों के साथ समझौता ना कर बैठे धृतराष्ट्र चाहता था मेरे पुत्र भले ही बच जाए लेकिन समझौता नहीं धृतराष्ट्र का डर ये था कि मेरे पुत्र समझौता करके करेंगे तो मेरा गद्दी हिल जाएगा। वैसे देखा जाए इस श्लोक को देख के माम का मेरे पुत्र को क्या हुआ बताओ इससे क्या पता लगता है कि धृतराष्ट्र को आसक्ति था किससे पुत्र मोह था पुत्र से आसक्ति था ऐसा लगता है लेकिन वास्तविकता में क्या है उनका आसक्ति किस में है पुत्र में गद्दी में पुत्र में या सिंहासन के आसक्ति अगर पुत्र में सच में होता तो क्या बोलते बेटा वो धर्म क्षेत्र है उधर जाके युद्ध करोगे उनके साथ मार जाओगे तो मर जाओगे जाओ समझौता करो बोलना चाहिए था लेकिन अभी धृतराष्ट्र को मालूम था दुर्योधन मरने वाला है लेकिन फिर भी वो चाहता था कि दुर्योधन युद्ध करे क्यों उनका आसक्ति किसमें कम से कम 18 दिन की तो सही कम से कम गद्दी रहे मेरे पास ये धृतराष्ट्र का डर क्यों डर है उनका आसक्ति किसके प्रति आसक्ति है इस संसार में जो हमसे प्रेम करते हैं ना ये सभी धृतराष्ट्र का प्रेम मां का धृतराष्ट्र ने कहा हो तुम मेरे बच्चे हो नहीं तुम मेरे काम के हो
इस संसार में जिसका भी प्रेम हो या आसक्ति जो है वो सभी धृतराष्ट्र का आसक्ति है। जब कोई कहता तुम मेरे को, इसका अर्थ क्या मानो, तुम मेरे काम के हो। धृतराष्ट्र जब अपने पुत्र को कहता तुम मेरे पुत्र हो, वो किसके लिए हो, तुम मेरे। अगर सच में धृतराष्ट्र को प्रेम था दुर्योधन के प्रति, उनके पुत्रों के प्रति, धृतराष्ट्र को क्या कहना चाहिए दुर्योधन को, समझौता कर लो, आ जाओ तुम्हारा जान खतरे में। लेकिन फिर भी क्या कहता है, जाने दो, तुम मर जाओ चलेगा, लेकिन मेरा गति बचना चाहिए। ये है भौतिकवादी का परिचय। भगवद्गीता के पहले श्लोक में ही व्यास जी ने सारे जगत के सामने भौतिकवादी होता कौन है, ये भौतिकवादियों का प्रेम होता क्या है, सबके सामने दिखा दिया। देखो इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के संबंध है। जब तक तुम मुझे सुख दोगे तुम मेरे हो, जब तुम सुख नहीं दोगे मुझे तुमसे कुछ लेना देना, तो अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, तो मुझे दुख दोगे तो मेरे दुश्मन, बस तीन ही तीन संबंध। जब युवक युवती दोनों के बीच प्रेम होता है, दोनों के प्रेम होता है क्या बोलेंगे, आई लव यू, तुम मेरा हो, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, क्या कह दो, बातचीत होता, एक दूसरे को थोड़ा सुख मिलता होगा। मान लो कि विवाह हो गया उनका, उन्हें ये कुछ महीने की बात, पहले बोलते तेरे साथ क्या, तेरे बिना क्या जीना, बाद में क्या बोले, तेरे साथ क्या, तेरे क्या साथ जीना, तेरे साथ क्या जीना, तेरे साथ जीना नहीं है। क्यों, पहले एक दूसरे को सुख मिलता था, इसके आई लव यू आई लव यू, बाद में एक दूसरे से दुख मिलने लगा, सत्य की बात। जब कोई व्यक्ति आपको इस संसार में कोई कहता है तुम मेरे हो, इसलिए कहता है क्योंकि उनको एक आशा है आपसे, कुछ सुख मिलेगा, कुछ काम होगा। जब वो आशा निकल जाती है तब होता है इस संसार की सत्य सत्य है। चाहे कोई व्यक्ति हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो, ये सब चीजें झूठ है। एक ही सेंटेंस है, तुम मेरे काम के हो। जब तुम काम के नहीं रह जाओगे तो मेरे कुछ भी नहीं है, क्या कहोगे। ये संसार की सच्चाई धृतराष्ट्र ने सारे जगत के सामने रख दिया। दिखता है धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से प्रेम कर रहा है, प्रेम नहीं कर रहा है कहां प्रेम। अगर सच में प्रेम होता धृतराष्ट्र को बताना चाहिए था तुम मरने वाले हो। धृतराष्ट्र को मालूम था दुर्योधन मरने वाला है, लेकिन फिर भी कहता है, क्या कहता है, जाओ, उनको डर है, समझौता से डर, गद्दी खोने का डर है। ये है धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चय मामका पांडवाश्चय मामका करती है तुम मेरे हो। अहम ममा इति अज्ञान। अज्ञान के दो पहलू, एक है अहम, मैं कुछ हूं, आई एम समबडी, दूसरा क्या है, ममा, मेरा। ये मेरे के पीछे मैं ममा करते मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा इसलिए क्योंकि मैं। देखिए पिता अपना पुत्र जो अच्छा नंबर लाता है स्कूल में खुश हो जाता है, सबको बोलता है मेरा बेटा, मेरे बेटे ने। क्यों खुश होता है,
वो मेरा बेटा है इसलिए खुश होता है। अगर किसी और का होता रहा इतना क्षण मर तो नहीं आता, वैसे ही फालतू है, कोई काम का नहीं है, मेरा है इसलिए कुछ काम का। उसमें भी अहंकार। इस संसार का जो प्रेम है, ये सब प्रेम जो है एक झूठे दरादों के ऊपर आधारित है, यही इसको मोह कहा गया। इस संसार के प्रेम में फंस के और जो तथाकथित मन से प्रेम करते हैं ऐसा सोच के उनके लिए पूरा जीवन दबा देते हैं। वास्तविकता में जो हमसे प्रेम करने वाले कौन है? कृष्ण है। हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हमारा भला चाहने वाले हैं, उनको भूल जाते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत उत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय, इसी में सब कुछ सारा बोध भूल गया। वो कहता है कि मेरे पुत्र और पांडव दोनों गए युद्ध करने के लिए, फिर क्या हुआ बताओ संजय, डर लग रहा है कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्र जो धर्म के पक्ष में है कहीं वो धार्मिक ना बन जाए, ये डरता त्राटता। पहला प्रश्न, पहला श्लोक का ये अर्थ। इसलिए शास्त्र में कहा गया है इस संसार के झूठे प्रेम में मत फंसो, चाहे किसी के भी झूठे क्यों ना हो। आप बोलोगे प्रभु जी ये तो सही बात है, लेकिन क्या करेंगे, तो घर जाना पड़ेगा, घर जाके पत्नी को देखना पड़ेगा, पत्नी को मेरी पत्नी को बोलना पड़ेगा, पति होते अरे आप तो मेरी पत्नी को, ये सब चलता है घर के चलेगा। सत्य जानो, सत्य जान के घर में नाटक करो। अच्छा पति का नाटक करो, अच्छी पत्नी का नाटक मानो, किसी से भी कुछ भी आशा मत रखना। हमारे सारे समस्याओं का जड़ ये है कि हम आशा करते हैं मेरी पत्नी है ना मुझे ऐसी सेवा करेगी। ये समस्या उनका समस्या नहीं है, क्या आपकी समस्या? पत्नी सोचिए मेरे पति देव मेरे लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इतना घर बड़ा बनाएंगे, वो करेंगे ये करेंगे। समस्या उनका नहीं, समस्या आपका है। ये जो एक्सपेक्टेशन है, आशा है ना, ये समस्या है। इसे शास्त्र कहता है भगवत हमें बात आ गया है, कर्तव्य मात्र करो, कर्तव्य का ड्रामा करो, माँ का ड्रामा करो, माँ का नाटक करो। माँ बनने जाओगे, पिता बनने जाओगे, पति बनने जाओगे, पति बनने जाओगे, कृष्ण को भूल जाओगे। वास्तविकता में इस संसार के संबंधों के साथ हमारा बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं। आत्मा को इस संसार के संबंधों के साथ कुछ लेना देना नहीं है, नथिंग टू डू विद। पिछले जन्मों में मेरे कितने माता हो चुके हैं, कितने पिता हो चुके हैं, कितने पत्नियां हो चुकी है, कितने पति हो चुके हैं, मालूम नहीं, याद है कौन है? ये जन्म में ऐसा एक मौका मिला, मंदिर मिला, शास्त्र मिले, साधु मिले, इसलिए ये आखिरी जन्म में खत्म करो। प्रभुपाद जी ने कहा मेक दिस योर लास्ट लाइफ, उसके लिए गंभीर होना पड़ेगा आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता कब आती है? जब आप अपने भौतिक कर्तव्यों को केवल कर्तव्य मात्र समझते हुए एक नाटक मात्र करोगे, ये असली मत करके समझोगे आपके जीवन को, पारिवारिक जीवन को वापस जन्म लेना ही पड़ेगा। जैसे कोई ड्रामा चलता है, ड्रामा में कोई रावण का रोल करता है, कोई राम का रोल करता है, कोई रणवीर का रोल करता है, कोई प्रहलाद का रोल करता है, उसी प्रकार आपको खाली एक रोल, एक एक ना एक रोल निभाना है बस। कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करता है, कोई पढ़ाई करता है, खाली एक रोल मात्र निभाना है। जैसे नाटक में रोल निभाते ना, हमारा वास्तविक जीवन है जीवन स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, इसको हृदय में धारण करो। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं, दासी हूं,
और अभी कौन हूं? एक नाटक के रूप में एक पत्नी का कर्तव्य करने के लिए बस कार्य करना है, बस ऐसा करोगे आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा चलेगा, क्योंकि नाटक कर रहे हो ना। देखिए नकली चीज होता है उधर, आपको नकली जैसे रहना पड़ेगा। सारे संबंध नकली है तो आपको ड्रामा ही करना पड़ेगा, उसको अगर असली समझोगे तो समस्या। आपके पति को असली पति समझोगे समस्या, क्योंकि वो पति है ही नहीं। हमारा पति तो कृष्ण है, वो पति का रोल कर रहा है, आपका पत्नी का रोल कर रहे हैं। थोड़ा समय के लिए ड्रामा करो और ड्रामा समाप्त होने वाला है। लंबा तो थोड़े चलने वाला, 20 साल 25 साल 30 साल चलेगा ड्रामा, लेकिन असली क्या है वो जान दे। ड्रामा करो, ये ड्रामा करोगे पति का ड्रामा करोगे, आशा नहीं रहेगी। तेरी पत्नी है तो ऐसा होना चाहिए, समझो आशा आशा नहीं रहती, कोई समस्या ही नहीं है। बच्चे मेरा बच्चा है वो नहीं करता ये नहीं करता, आपका बच्चा नहीं है, आप उनके पिता का रोल मॉडल करो, जितना हो सके उतना सुविधा दो, बस हो गया खत्म। इतनी आशा लेके बैठ के सर भी माता पूरी करना, सही बर्बाद करना, दुखी होना, उससे अच्छा क्या सोचो मैं पिता का क्या कर रहा हूं, एक रोल निभा रहा बस, जितना हो सके उतना सुविधा दूंगा मेरे बच्चे को। वो जाने अपना जीवन जाने, मेरा अपना जीवन है, जीवन है। इस प्रकार का नाटक करना कोई सीख लेता है और असलियत अपने अपना पहचान को जान लेता है, वो व्यक्ति भक्ति में गंभीर बन सकता है। असलियत क्या है? जीव है, स्वरूप वो कृष्ण, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण का दासी हूं, इस बात को हृदय में धारण करता है, वही व्यक्ति गंभीरता से भक्ति कर सकता है और इसी को इस जन्म को आत्म जन्म मान के चल सकता है। नहीं तो एक बारात थी, उनको जाना था दूसरे गंगा को पार करके, करीबन 6-7 घंटे का नाव का रास्ता था। बैठ गए नाव में, बैठ गए तो रात भर नाव चलाया उसने, सब लोग सुबह रात को सो गए थे नाव में, सुबह उठ के देखे, देखा कहाँ है नाव, जहाँ है उधर जैसे थे, सब लोग हाँ हाँ करने लगे। तो नाविक ने कहा मैं तो रात भर नाव चलाया, हम तो उधर तो उधर, मुझे क्या रात भर नाव चला रहा था, मैं नाव तो चला रहा था। बाद में देखा कि वो जो नाव है उसका लंगर नहीं निकाला गया, तो क्या होगा? वैसे हमारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चल रहा है, नाव चल रहा है, लेकिन अभी क्या होगा वो लंगर वो लंगर कब निकलेगा? जब आप नाटक करना सीखोगे। देखिए नाटक करने से दो फायदा है, एक बौद्धिक फायदा भी आध्यात्मिक फायदा है। बौद्धिक फायदा क्या बताओ? आपकी आशाएं नहीं रहेगी, दूसरों से अपेक्षा नहीं रहेगी, मेरा पेट है तो ऐसा मेरा बात मानना पड़ेगा। हर माता पिता की इच्छा रहता है बच्चे मेरी बात सुने, क्या आप अपने माता पिता की बात सुने देखे? मैंने पूछा था मेरे पिताजी का, बोले बात सुनो मेरा, मैंने कहा आप क्या आपके पिताजी का बात सुना था? हाँ सुनते थे हम लोग, सब सुनते थे। देखिए जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया चार कुमारों को, मानस पुत्र, तो ब्रह्मा जी जितने सुंदर बच्चे थे वो चार बच्चे हुए, चारों का बेटा अच्छी तरीके से संसार को संभालना, प्रजा को उत्पन्न करना, चारों द्वार एक साथ निकाल, मुझे बड़ा होना ही नहीं, हम लोग छोटे के छोटे रहेंगे, हम नहीं करेंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे। तो सृष्टि होने के बाद सबसे पहला बात क्या बताइए? बच्चे माता पिता का बात नहीं मानना, यही घटना पहला घटना ही हुआ। तो समस्या तब आती है
जब आप ये सोचोगे वो मेरे बच्चे हैं, जब ये सोचोगे मेरे बच्चे हैं तो आशा रहेगी मेरी बात सुनना चाहिए करके, और ये सोचोगे मैं खाली पिता का रोल निभा रहा हूं, आप बच्चा की बात सुने ना सुने आपको छोड़ने पड़ेगा। मान लो कि एक पति, आप किसी की पत्नी हैं, आप ये सोचोगे मेरे पति है, मैं उनकी पत्नी हूं, ये मेरे पति देव है, तो क्या आशा रहेगी मेरे लिए वो करेंगे, अभी तो खाली छोटा घर है, बड़ा घर करके देंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, मेरे लिए वो करेंगे, मुझे घुमाने के जाएंगे, बहुत सारी आशा रहती है। खाली ये सोचोगे मैं तो उनका पत्नी का ड्रामा कर रही हूँ, नाटक कर रही हूँ, नाटक भी अच्छा हो जाएगा और आशा भी नहीं रहेगा, वो पति भी खुश आप भी खुश, और साथ साथ में आपको मालूम है मैं खाली इधर नाटक कर रही पत्नी का, वास्तविकता मैं कौन हूँ, कृष्ण की सेविका, कृष्ण का सेवा भी हो जाएगा, घर में भी शांति रहेगी, हमको भी शांति रहेगी। पति मत बनो, पत्नी मत बनो, माँ मत बनो, पिता मत बनो, पुत्र मत बनो, माँ मत बनो, छात्र मत बनो, गुरु मत बनो, खाली नाटक मात्र करो। जो ये ड्रामा करना सीख लिया ना वो बहुत ही फायदा भी है और आध्यात्मिक साधना। शास्त्र उपदेश खाली ड्रामा करके अपने कर्तव्य रोल निभाओ, बस जस्ट डू द रोल, अपना कर्तव्य मात्र करो बस, किसी से कुछ भी आशा मत करना। हमारी समस्या हमारे आशाएं, हमारी आशाएं हमको भी तकलीफ देता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। देखिए दो भिखारी मिले लेकिन दोनों को मालूम नहीं दूसरा व्यक्ति भिखारी है करके, दोनों को मालूम दूसरा व्यक्ति भिखारी करके, दोनों आशा लेके बैठे हैं इससे कुछ मिल जाएगा, ये भी आशा कर रहा है इससे कुछ मिल जाएगा, ये आशा कर रहा है उससे कुछ मिल जाएगा, क्या होगा, एक दूसरे से बहुत अच्छा व्यवहार करें बोले मिल जाएगा क्या आशा, लेकिन जब पता लगता है भिखारी है, अरे कहां फंस गया तुमसे, गेट लॉस्ट, मैंने टाइम वेस्ट किया तुमसे, वैसे ही इस संसार के संबंध भी उसी प्रकार का है, दो भिखारी बन गए और क्या आशा से मिलते हैं, जैसे दो भिखारी भीख के लिए भीख की आशा से मिलते हैं, इस संसार के संबंधों में दो लोग मिलते हैं प्रेम की आशा से, उसके पास भी प्रेम नहीं उसके पास भी प्रेम नहीं, लेकिन दोनों की आशा इससे मिल जाएगा प्रेम, उसको इससे मिल जाएगा आशा। एक पुरुष सोचता है अभी स्त्री से प्रेम मिल जाएगी, भिखारी है प्रेम है इसके पास, इससे प्रेम मिलेगा करके आशा से आता है, ये सोचती है उससे कुछ प्रेम मिलेगा करके आज दोनों मिल जाते हैं, दोनों में बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता है, अच्छा सा सफर चल रहा है, आशाएं बढ़ती जा रही है, पूर्ण नहीं हो रहा, तब पता लगता है असली अर्थ, दूर में रहने से पता नहीं लगता ना, साथ में रहने से पता लगता है असली क्या है, असली पता लग गया रे तो भिखारी है। तो समस्या उसमें नहीं है ना, आपने हमारी आशाओं में, इसलिए हमारे जीवन की आशाएं आवश्यकता है तो कम करो, तो खत्म करो, और आपके जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार अपना रोल निभाओ, अपना ड्रामा के लिए जो परिस्थिति दिया गया है उसको अच्छी तरह से करो, हृदय भी धारण करो, क्या धारण करो, मुझे तो केवल कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण का नाम जप करना है, तब भक्ति में गंभीरता आती है, तब लंगर छूटता है, थोड़ी सी भी नाम जप करोगे ना बहुत आगे जाएगा ना, हो तो कितना भी करते रहो जब तक ये मोह रहता है
श्री गीता का पहला श्लोक राष्ट्र इस बात का रहा। अगर आप असंतुष्ट हो इस संसार में, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, आप खुद हो, क्योंकि आपके मन में आशाएं हैं। किससे आशा रखे हो? भिखारी से भीख की आशा रखे हो? छोड़ दो उसको, आपकी मूर्खता है। भिखारी से क्या मिलेगा आपको? भीख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? किसी से भी कुछ भी आशा मत, आप सुखी रहो। आज जाति जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन। कोई प्रश्न आ रहा जैसे विकास को गति के लिए इच्छा थी, हमको संसार में हमारे संबंधियों से इच्छा होती है, तो हम लोग यही इच्छा से या कुछ मिलेगा यही वजह से हम भगवान की भक्ति भी तो करते हैं, तो क्या ऐसी आशा भी नहीं रखनी चाहिए कि भगवान की भक्ति भगवान के लिए, भगवान के पास कोई भौतिक आशा के साथ जाना ठीक है, लेकिन पूर्ण तरीके से सही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से कुछ प्रार्थना किया था, उससे आके भगवान प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान ने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा भगवान को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। लिस्ट देना बोलना शुरू किया भगवान ने कहा देखो मैं भूल जाता हूँ, जरा लिख के देना। तो लिखा, पूरा लिस्ट बनाया, सोच सोच के लिख के लिस्ट बना के बड़ा पर्ची दिया भगवान ने। पढ़ा कुछ और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए थोड़ा, और एक बात और थोड़ा ऐड करके देता हूँ, और इसमें और बढ़ा के देता हूँ। और यह लिस्ट लिया और सोच सोच और मिला मिला इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया, भगवान को दिया। ये तो साल आठ आइटम का लिस्ट था। तो भगवान ने कहा और कुछ? कुछ कुछ नहीं है, बस इतना पूरा कर दो काफी, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। एक हजार गाड़ी था, बन रहा था, क्या क्या तो था, वो था खाने पीने का, जो जो मन में आया सब कुछ पूरा एक हजार आठ आइटम का लिस्ट बनाया। और एक और कुछ? बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तथास्तु कहते हो मर गया, क्योंकि वो पूरा लिस्ट में हर चीज लिखा था, लेकिन एक चीज इतना भूल गया था, वो ऑक्सीजन इतना भूल गया था, हवा इतना भूल गया था, सांस। तो भगवान के पास आके मांगने से दो बार सोचो। भगवान ने कहा और कुछ चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए, मर जाओगे। बहुत सारे चीज भगवान ने पहले दे चुके मन। आप मान लो कितने लोगों का आंख नहीं है, आपको है ना? इस संसार में कितने लोगों को दो पैर नहीं है, कितने लोगों की किडनी नहीं है? इसलिए जो है उसे संतुष्ट रहो। संतुष्टि से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। जो संतुष्ट नहीं है ना, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। संतुष्टि से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। इज नो बेटर वेल्थ देन सैटिस्फैक्शन। तो भगवान के पास कोई भौतिक इच्छा लेके आओगे, मेरे बच्चे के लिए कर दो, मेरे पति के लिए कर दो, मेरी पत्नी के लिए कर दो, ठीक है। आज मेरे बच्चे को बुद्धि दो, भक्त बना दो, ऐसी प्रार्थना कर सकते। मेरी पत्नी को भी थोड़ा सा बुद्धि दे दो, संतुष्ट हो जाए, बार बार वो लाओ ये लाओ मांगती रहती है। उन
उनको बुद्धि नहीं है, आप ही वास्तविक पति हो, ये झूठा पति को झूठा पति के रूप में मान के बैठी है, पागल है। वास्तविकता पति कौन है? कृष्ण है। मेरी पत्नी को ये मालूम नहीं है, आप ही वास्तविक पति हो, हे भगवान समझा दो उसको। पति प्रार्थना भगवान को, मेरे पति देव आशा करते हैं, मेरे सुख की आशा करते हैं, लेकिन भक्ति में सुख है उसको मालूम नहीं, ये पागल को समझा दो भगवान, उसको मालूम नहीं भक्ति में परम सुख है। ऐसी प्रार्थना कर सकते हो भगवान से, लेकिन भौतिक स्तर की प्रार्थना ध्रुव महाराज भी करने गए तो बाद में पछताने लगे, भगवान ने क्या प्रार्थना करना। प्योर डिवोशन शुद्ध भक्ति, हमारे संस्था में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया जाता है, ऐसा नहीं आप आ जाएंगे प्रणाम करो भगवान को आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारा आशीर्वाद ले लो सारी समस्या दूर हो जाएगी, गुरु जी आगे आशीर्वाद ले सब सब दुख दूर हो जाएगा, ये सब झूठ बातें हमने कहते, उल्टा भक्ति में आने से और समस्याएं बढ़ेगी। पांडव एक भक्त का नाम बताइए संसार में शास्त्रों में भी जिसको कोई समस्या था नहीं, पांडव कम समस्या है, द्रौपदी कम समस्या है, कुंती देवी कितनी समस्याएं थी, प्रहलाद महाराज कितनी समस्याएं थी, ध्रुव महाराज ने कितना कष्ट आया, परीक्षित महाराज शाप मिला, विष्णुदेव बाणों की शैया पर सोए, इसलिए हम कोई झूठे प्रॉमिस नहीं देते, वास्तविकता में संघर्ष होता है वही हमको शुद्ध बनाता है। संघर्ष डरो मत, और कोई बौद्धिक इच्छा के लिए बौद्धिक इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भगवान हमको जो भी जरूरत है वो पहले से दे चुके, और जिस परिस्थिति में भगवान ने हमको रखा ना वो हमारे लिए सबसे अच्छा परिस्थिति, जैसे मुझे एक ब्रह्मचारी को रखा भगवान ये मेरे लिए अच्छा है, आपको एक स्त्री के शरीर में एक परिवार में एक परिस्थिति में आपको रखना है बहुत अच्छा आपके लिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर हमारी भलाई इस संसार में कोई नहीं जान सकता, जैसे एक बच्चा अपना भला क्या वो नहीं जान सकते, इसी प्रकार हम अपना भला क्या हम नहीं जान सकते, भगवान ही जानते हैं, ऋषि जानते हैं, इसलिए यू आर इन द बेस्ट पोजिशन वेयर एवर यू आर आने सुतम श्रुतिगताम तनुवांग मनोविर, जिस स्थान में उसी स्थान में रहते हुए हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को 16 हरे कृष्ण 16 महाराज रोज करो। वो परिस्थिति विभीषण कहां था? असुरों के बीच में था, भक्ति किया। प्रहलाद महाराज था कि असुरों के बीच में था, तो बेस्ट पोजिशन है, आप जो परिस्थिति में हो आपके लिए अच्छा परिस्थिति, परिस्थिति को चेंज करने के प्रयास करो, चेतना को चेंज करने के प्रयास करो, परिस्थिति का परिवर्तन प्रयास परिवर्तन करने का प्रयास मत करो, ये परिस्थितियां आपके जीवन में आपके कर्मों की वजह से है, हम कर्मों को परिवर्तन करने के प्रयास नहीं करते, भक्ति के द्वारा अपनी चेतना को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। और कोई प्रश्न माता हो सकता, कोई प्रश्न? कितने लोग ड्रामा करने के तैयार है? कोई एक है, दो है, ये माता को कोई तैयार नहीं, क्या कर सकता हूं मैं? क्या बताया कि एक रोल करना है तो हमारी कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से तो है, और हम इनके ऋणी भी हैं, तो इनका ऋण कैसे चुका सकते? आप बोले हमारा कोई आसक्ति नहीं है प्रभु जी, हम ऋणी,
उनका जो ऋण है वे नहीं चुका सकते, उनको भक्ति देके चुका सकते, उनकी आशाओं को पूरा करें उन्हें नहीं चुका सकते, क्योंकि आशाओं की कोई सीमा नहीं रहती। एक लड़के ने कहा, प्रभु जी मैं अपने पिता का सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा कैसे सेवा करें होता, उनकी इच्छा को पूरा करो, बताओ। पिताजी को इतना मोटा चश्मा आ गया, और पिताजी बोलते हैं बेटा हमारे पास तो छोटा टीवी है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, बड़ा दिखाओ तो बड़ा लेके देखिए बड़ा लेके। आजकल पिक्चर में क्या आता है, 60-70 साल के हो गए पिताजी इतना मोटा चश्मा वो देख रहे हैं, आधे नंगे लोगों को देख रहे हैं, सेवा हो रही है पिताजी का, वाह वाह। वो थोड़ी ना है, लोग सेवा बोलते हैं क्या? कृष्ण भक्ति देना इससे ऋण। कारो कहता है पिता न सस्या गुरु न सस्या कहने सस्या माता न सस्या, आप ना पिता बन बनो, आप गुरु मत बनो, पिता मत बनो, माँ मत बनो। मृत्यु से अगर आप अपने ऊपर निर्भर करते हैं, उन लोगों को आप बचा नहीं सकते, तो आप ना माँ बनो ना पिता बनो। यानी ना माँ बनने का अधिकार है ना पिता बनने का अधिकार है, ना पति बनने का अधिकार है ना पति बनने का अधिकार है, ना कोई भी संबंध में कोई भी स्तर में ना गुरु बनने का अधिकार है। आप अपने ऊपर निर्भर करते हैं उनको आप भक्ति नहीं दे सकते। ठाकुर ने कहा अगर मैं कृष्ण कॉन्शियस भक्तों को जन्म दे सकता हूं तो मैं 100-100 पुत्र उत्पन्न करूंगा। इसलिए अगर सच में आप अपने आप को ऋणी समझते हो अपनी पत्नी के प्रति या बच्चों के प्रति, उनको कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करो। प्रयास मात्र कर सकते हो, दे नहीं सकते, वो भक्ति कृष्ण भक्ति देने का प्रयास उसके अनुकूल कुछ सुविधा बस, उनकी आशाओं को पूर्ण करने जाओगे वो भी पागल हो जाएगा, आप भी पागल हो जाओगे, दोनों को पागल करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो एक जाए आप निकल जाओ रेंट, ठीक है। कृष्ण भक्ति देने की मात्र तक बस, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा तो होता है जैसे स्कूल में टीचर अच्छा पढ़ाता है, जितना हो सके उतना सुविधा भी देता है स्कूल में, पढ़ाई भी करना चाहिए ना। अगर वो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है अगर टीचर पागल हो जाए तो, जितना हो सके उतना सुविधा देना, सब सुविधा और कृष्ण भक्ति करने का मौका प्रदान करना, उसके बाद हरे कृष्णा। क्योंकि 100 साल पहले वो कौन था आपके साथ, 100 साल के बाद क्या आपको उनके साथ क्या संबंध है? शास्त्र ने भगवान स्पष्ट रूप कह दिया कर्म जो है वो केवल शुद्धिकरण के लिए, और कोई काम के लिए नहीं। कुछ मेरे अपराधों की वजह से कर्म बंधन की वजह से कुछ शुद्धिकरण होना है, निकलना है, साफ करने के लिए साबुन लगा दे। किसके लिए? साबुन लगा के बाहर आने के लिए, लगा के बाहर आके उसको भी निकालना है साबुन। ये परिवार भी ऐसा है, गृहस्थ आश्रम भी साबुन जैसा है, कैसे बताइए? स्नान करने जाते हो साबुन लगाते हो, क्यों? साबुन से शरीर साफ होता है ऐसा बोलते, तो साबुन के खिलाफ है। कल सुबह बताया था ना, सुबह तो लगा के क्यों करते हो? उसको भी पानी से निकालना है, उधर ही संडा नहीं है। पंच सवर्धन मन प्रजे, धीरे धीरे से हाथ साफ करने का खत्म करो जल्दी से जल्दी। 45-40 से तैयारी, 45 तक ऑलमोस्ट हो गया, 50 तक खत्म ही कर देना। जितना हो सके उतना किया, बाद में वो जाने उनका जीवन जाने, हमने तो जितना हो सके उतना सुविधा दिया, भक्ति का मौका दिया, किया किया नहीं किया नहीं किया बस। माताओं से कोई प्रश्न नहीं,
भावनगर की माता है भावुक है लेकिन किसके पति है वो मैच कृषि पति होना चाहिए और कोई ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा।